सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो और हम दोनों भी काफी अच्छे हैं। और गाइस, आज फाइनली वो व्लॉग आ चुका है जिसका इंतजार था काफी टाइम से हमें भी और आपको भी। तो गेस कर लो, थोड़ा सा कर लिया। तो गाइस, फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं यार अपना Q&A व्लॉग, जो कि मैंने बोला था कि 20K पे आएगा और लेट हो गया शोना, थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, माफी चाहते हैं। और 21K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, थैंक यू उसके लिए। तो बिना किसी देरी के चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ, Q&A इज अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के ब्लॉग से अभी तक के जितने ब्लॉग्स हैं सब में से मैंने और शोना ने मिलके कमेंट्स छाटे हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, सच बता रहा हूँ। अगर ये नहीं होती तो मैं तो भैया क्या ही होता। तो आप समझ जाना, जो व्हाइट वाले कमेंट्स है वो शोना के स्क्रीनशॉट है, और जो ब्लैक वाले वो मेरे, क्योंकि मेरी यूट्यूब की थीम ब्लैक है, इसकी व्हाइट है। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैंने पता है कितने क्वेश्चंस सेलेक्ट करे हैं, 30 questions। पता है क्यों शोना? पहले मैंने सोचा था कि 20 सेलेक्ट करूंगा, 20K पे 20 questions, बट मैंने सोचा कि अब जो होंगे सब्सक्राइबर्स अब होंगे 30K, तो इसलिए मैंने 30 questions सेलेक्ट करे उसमें से। हाँ, मैं सबके नहीं ले पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो जितने ले पाया आज उतना एंजॉय करो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला Q&A का क्वेश्चन, ओके, ये लैपटॉप मैंने ले रखा है और इसमें सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने ले रखे हैं, और मैं इसमें से रीड करता जाऊंगा और सारे आपकी स्क्रीन पे होंगे। सो गाइस, Q&A का पहला क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, पहले क्वेश्चंस के मैंने करीबन 8-10 स्क्रीनशॉट लिए, बट सारे एक ही जैसे रिलेट कर रहे हैं कि भैया 20K हो गए, Q&A कब आएगा, Q&A, आपने बोला था 20K पे आएगा, ये वो मैंने सब देख रखे हैं, ये आपकी स्क्रीन पे सारे चल रहे हैं, देख लो। तो भाई मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, आज फाइनली Q&A आ गया, ठीक है गाइस, आई एम रियली सॉरी थोड़ा लेट आया बट आ गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है, लिटरली बता रहा हूँ, उसके इतने कमेंट्स थे, मैं सबके स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, बट मैंने लिए। और अब एक बार ये स्क्रीन पे देख लो, चलो हमसे जितनी कोशिश हो पाई ना, हमने उतने ले पाए। हाँ यार, और सबका देखो इसमें यही कहना है, शादी कब कर रहे हो, थोड़ा पढ़ते हैं, चलो मजा आएगा। लो भाई, भैया आपकी शादी कब होगी, वाह, भैया आपकी शादी कब होगी, भैया शादी कब कर रहे हो, आपकी शादी कब होगी, शादी कब कर रहे हो भैया। तो गाइस, ये दूसरा जो क्वेश्चन था ना, इसके कमेंट्स इतने सारे थे कि भैया शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, और आपने सब देख लिए होंगे, स्क्रीन पे सारे चला दिए मैंने भाई। तो आप सबका जो ये क्वेश्चन है ना, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, तो चलो इसका आंसर दे देते हैं। गाइस, शादी में अभी कितना टाइम है शोना? 2 साल अभी तो है टाइम यार, और जैसे ही होगा वो सब आपको पता लग जाएगा व्लॉग्स के थ्रू कि शादी कब कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी कोई शादी का प्लान नहीं है, एटलीस्ट 2 साल तक हम रुके हैं। ठीक है गाइस, 2 साल तक वेट करो, फिर शादी होगी हमारी, अभी तो बहुत टाइम है। तो चलो गाइस, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। गाइस, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो भाई ये कमेंट है हर्षवर्धन गुप्ता का, शोना दीदी बहुत कम बोलती हैं, विनय भैया उनसे कहना थोड़ा तो बोला करो, बिल्कुल ब्लॉग में नहीं बोल रही ज़्यादा। हर्षवर्धन जी, आपको क्या पता है कि ये शोना दीदी कितना बोलती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऑन कैमरा नहीं बोलती, बट ऑफ कैमरा आपको नहीं पता कितना बोलती है। ऑन कैमरा बेशक मैं बोलता हूँ, लगता है कि मैं इतना बोलती होंगी, ये जैसे है ना ये वैसे ही बोलते हैं, और मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही बोलती हूँ, बट स्टिल ये ज्यादा बोलती है, मैं कम बोलता हूँ। ऐसा किसने? कोई बात नहीं, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन गाइस, शोना व्लॉग्स नहीं बनाती। सही बात, खैर बोलता तो मैं बहुत हूँ यार, व्लॉग्स बनाओ, तुम भी बनाओ, पर नहीं बनाती, डांटो, देखा? अभी इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम है, जब थोड़ा सा मेरा थोड़ा फ्री शेड्यूल हो जाएगा देन फिर मैं स्टार्ट करूँ। फ्री शेड्यूल, हम तो भैया वेल्ले हैं, ठीक है भाई। इन शॉर्ट ये कहना चाह रही है कि अभी ये प्रिपेयर नहीं है व्लॉग्स के लिए, बट बहुत जल्द शोना का भी जब ब्लॉग चैनल होगा तो बता देंगे आपको। तो गाइस, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन ये देखो स्क्रीन पे। तो भाई इसमें लिखा है मोहित भार्गव ने, क्यूट कपल, अमेजिंग ब्लॉग विनय भैया, और आपकी हेयर कट इतनी अच्छी लगी कि एक और शोना भाभी पड़ जाएगी। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। भाई पहली मेरी बात, मोहित भाई पहले मेरी बात सुनो, आपने लिखा क्यूट कपल, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बट आपने जो लिखा ना हेयर कट वाली बात, एक और शोना भाभी पड़ जाएगी, भाई सच में ऐसा है क्या? वाह, पहले कपल की तारीफ भी कर दो और उसके बाद ये भी बोल दो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सही बात, तारीफ हो रही है यार, पहली बात तो हेयर कट की यार, इंस्टाग्राम क्या चाहता है भाई, चल बैठ जा, यही बैठ जा, चल। हाँ यार, ये यार देखो गाइस कहाँ घुस रहा है ये,
मेरे पैरों में बैठ गया। चलो, चलो कोई बात नहीं। तो भाई मैं खैर आपकी इसी शोना भाभी के साथ खुश हूँ, और कोई नहीं चाहिए यार। तो गाइस चलो, तो चलो चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें लिखा है शगुन शर्मा ने, शोना दीदी हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? विनय भैया ये बात आप उनसे पूछना और साथ में मेरा नाम भी लेना अपने नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज प्लीज, आई एम योर बिग फैन, प्लीज भैया। मैं गुस्सा ना करती हूं गाइस। शगुन पहली बात तो थैंक यू, आपने लिखा बिग फैन, फैन नहीं फ्रेंड बोल लो यार। और रही बात इसके गुस्सा होने की, मैं क्या करूँ यार, मैं खुद परेशान हूँ। ये भी मेरे को गुस्सा करते हैं। मैं करता हूँ हाँ। लेकिन व्लॉग्स में नहीं करता ना। ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती, ये बहुत करते हैं मेरे को गुस्सा। गाइस देखो थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है, बट ऐसा कोई हम गुस्से वाले नहीं है, वी आर वेरी यू नो कम गुस्से वाले, ऐसा कोई सीन नहीं है गुस्से का। तो चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं रीड करता हूँ। चलो इसमें लिखा है भाई सेवन सेट रॉक ने, भाई है आपकी गर्लफ्रेंड है या हमारी भाभी जी है क्या? भाई मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने तो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड हो या आप इनकी, बताओ क्या आप इनकी भाभी हो? आप बताओ कौन हूँ मैं। सेवन सेट रॉक भाई गर्लफ्रेंड थी, फिलहाल तो फियांस है, आने वाले टाइम में आपकी भाभी होगी, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे वो आपकी स्क्रीन पे है, मैं रीड कर लेता हूँ, देख लो भाई क्या लिखा जतिन शर्मा ने, भाई अपनी इंगेजमेंट और शादी के व्लॉग जरूर बनाना। अरे भाई बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, बैठा हूँ स्टेज पे, हाय गाइस वेलकम बैक टू चैनल, और यहाँ पीछे लोग फोटो करा रहे हैं। आओ 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 आओ, एक काम करूंगा भाई फोटोग्राफर्स बुलाऊंगा ही नहीं, व्लॉगिंग ही कर लेंगे हम लोग, व्लॉगिंग करेंगे बस, स्टेज पे बैठ के तुम्हारा भाई व्लॉगिंग कर रहा होगा। एक साइड इस साइड कर लेंगे, एक साइड मैं कर लूंगी, बिल्कुल मजा आ गया भाई जतिन भाई, बढ़िया। तो अब है गाइस नाइन्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सैम ने करा ये, आपके पेरेंट्स कैसे राजी हुए शादी के लिए? प्लीज पिक अप दिस क्वेश्चन, राजी कैसे हुए शादी के लिए? राजी ऐसे नहीं हो यार, मनाया है, क्यों सोना? बिल्कुल मनाया, ऐसे नहीं हुए, इन्होंने अपनी फैमिली को मनाया, मैंने अपनी फैमिली को मनाया, और एकदम तेरे को कोई नहीं मानता, बट हाँ थोड़ा समय लगा, बट अब फाइनली मान गया और बहुत खुश है, शुक्रिया हमारे घर वालों का। Q&A का दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये कमेंट है भाई प्रतिभा तिवारी का, इन्होंने बोला है विनय आप अपने किसी भी मेन चैनल की वीडियो में शोना दीदी को क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते हो? ये तो इसके लिए करा, मैं भी पूछती हूँ, ये आपने इसके लिए करा कमेंट, नाइस ठीक है तेरे फेवर में, तभी गाइस डोंट वरी जल्दी लूंगा, ठीक है आप सबकी डिमांड है रियली नो, बट थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्दी आपको शोना मेरे मेन चैनल की वीडियोस में दिखेगी, ठीक है बोल दिया। ओके 11th क्वेश्चन गाइस, अभिषेक शर्मा ने बोला है विनय भाई तुम्हारी लव मैरिज या अरेंज मैरिज क्या लगता है मेरे दोस्त? ऑब्वियस है लव मैरिज, लव मैरिज नॉट अरेंज, ऐसे थोड़ी बैठे होते, अरेंज होती तो फिर तो भाई जानने पहचानने में समय लग जाता और शादी के बाद व्लॉगिंग हो रही होती। तो चलो गाइस, तो अभिषेक भाई हमारी लव मैरिज है, नॉट अरेंज। 12th क्वेश्चन, संगीत सावंत ने बोला है एकदम बढ़िया चलाती है शोना दीदी गाड़ी, वाह भाई बैठ के देखो पता लग जाएगा। अरे बिल्कुल तू, मैं कह रहा हूँ पायलट बन जाए भाई, प्लेन चला दू, चला लूंगी बिल्कुल, मेरे से पूछो ना गाइस मैं कैसे बैठता हूँ साइड में। आपने खुद ही बोला था मैं अच्छी चलाती हूँ गाड़ी। मैं बेशक 100 बार बोल दूं बट स्टिल डर मेरे मन में है यार। Q&A का 13th सवाल भाई, अरुण कर्दम ने ये बोला है शोना और उनकी सिस्टर ट्विंस लगती हैं, हैं? नहीं नहीं मेरी सिस्टर मुझसे 8 years बड़ी हैं। ठीक है भाई नेहा दीदी ट्विन सिस्टर देख लो। नहीं, नहीं यार ट्विन सिस्टर नहीं है, ये छोटी है, नेहा दीदी बड़ी है। सो गाइज ये सवाल ने तो भाई साहब रोंगटे खड़े कर दिए, इसमें लिखा विनय भाई शोना दीदी को लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दो, चैलेंज है। ओ भाई मुझे दे दो भाई लैम्बोर्गिनी, मैं चला लूंगा, तुम संतरा चला लो मैडम। भाई माफ कर दो गलती हो गई है कोई मेरे से, लैम्बोर्गिनी ये चलाएगी लैम्बोर्गिनी, चला सकती हूँ मैं। तू मैं क्या कह रहा हूँ, तू तो जहाज चला सकती है शोना, जहाज भाई एक दिन आएगा तो जरूर दूंगा, डोंट वरी ठीक है, पर अभी मैं तुझे साइकिल दिला सकता हूँ If you want. नहीं मेरे पास स्कूटी है। ठीक है फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओ भाई कमेंट। तो भाई ये क्वेश्चन है नक्श गंगा वाशी का, तुम पढ़ लो खुद ही चलो। आप शोना को कितना प्यार करते हो बताओ बताओ, कितना प्यार करते हो? काउंटिंग ही नहीं है। अच्छा काउंटिंग ही नहीं है, बहुत बहुत ठीक है। हाँ अलग बात है कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। सॉरी गाइस मजाक करता हूँ यार। सोलवा सवाल,
भाई, बहुत प्यारा कमेंट है, ये लिटरली बता रहा हूँ। ये कमेंट है किरण संधू का और इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है ना, मेरा मन कर रहा है कि या तो मैं कनाडा आ जाऊँ या आप मुझे कनाडा से लेने आ जाओ। तो गाइज इसमें लिखा है सच अ स्वीट कपल, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। और नेक्स्ट लिखा है आई नो पूर्वा इज अ स्वीट हार्ट, लिटरली ये थैंक यू। फिर लिखा है विनय कांट वेट टू मीट यू ऑन आवर नेक्स्ट ट्रिप टू दिल्ली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर कनाडा फैमिली। वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है यार कि अगर कोई इतनी दूर से व्लॉग देख रहा है तो थैंक यू सो मच। आप जब दिल्ली आओ तो हम जरूर आपसे मिलेंगे और हम कभी कनाडा आए तो जरूर आपसे मिलेंगे। 17th क्वेश्चन, एडिटिंग बॉस का है भाई ये, आपकी लव स्टोरी के ऊपर आपके मेन चैनल में एक वीडियो बनाओ लव फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू ब्रदर, बिल्कुल बनाएंगे यार, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ, आपने मेरे दिल की बात छीन ली सोना, इस बहाने मेन चैनल पे तो आ जाएगी ये। अगला सवाल कुरेशी का है भाई, कुरेशी निजामुद्दीन ने लिखा है आपकी फुल लव स्टोरी बताओ। हमने अपने व्लॉग्स पे डाल रखा है गाइस फुल स्टोरी। जी हाँ, आप अगर कुछ दिन पहले का एक व्लॉग देखोगे किसने प्रपोज किया तो उसमें आपको पता लग जाएगा मेरी लव स्टोरी। ओके चलो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑफिशियल यश गुप्ता का कमेंट है भाई, स्क्रीन पे तो देखो सारे आ ही रहे हैं गाइस, पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहना, मैं तो चलो बोल रहा हूँ बट आप फिर भी पढ़ते रहना। भैया क्या शोना आपकी होने वाली बीवी है क्या? भाई कहाँ सो रहे हो आप, ये कह सकता है यार। हाँ मेरे भाई यश गुप्ता होने वाली बीवी है फिलहाल, अभी तो फियांसे यार, हाँ होने वाली बीवी है। श्रीनु व्लॉग एंड शॉर्ट्स का ये कहना है भाई, 20th क्वेश्चन गाइस, भाई आपने बताया नहीं किसने पहले प्रपोज किया था, मैंने बिना किसी झूठ के, देख सोना मैंने अपना हाथ उठा लिया है, चलो एक्सेप्ट तो किया। थैंक यू, से थैंक यू टू मी आल्सो, थैंक यू, वेलकम। हाँ गाइस स्टोरी में इन्होंने तो नहीं किया था एक्सेप्ट, ठीक है लव स्टोरी में अब कर रहे हैं। लव स्टोरी में नहीं बताया था मैंने, मैंने बोलता Q&A में बताऊंगा, तो Q&A फाइनली आज आ गया। तो हाँ गाइस मैंने प्रपोज किया था, ठीक है मैंने तरस खा लिया लड़की पे, ठीक है कोई बात नहीं, प्रपोज होता है, ये तरस खाने वाली बात नहीं होती है। चलो भाई अगला सवाल भाई साहब, 21वां सवाल अध्या कुमारी ने लिखा है भाई, विनय भैया आप सोना दी को प्रपोज किए होंगे। जी हाँ, अगली लाइन जो लिखी है ना भाई इस लड़की ने, सलूट है मैम, बिकॉज लड़की को बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना लगे वो प्रपोज नहीं करती, इट्स अ गर्ल एटीट्यूड। इंस्टा यार क्या हो रहा है, देखिए जहाँ में यार गर्ल एटीट्यूड, ये तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं सच में। अरे इंस्टा अच्छा तुम्हारे वाले क्वेश्चंस है इसलिए। लॉन्डो कहाँ सो रहे हो तुम, बॉयज एटीट्यूड कहाँ गया भाई? नहीं ऐसा नहीं है, करते हैं बट ठीक है, इन्होंने किया, लड़कियाँ भी करती हैं, करती है क्यों नहीं करती। अगला सवाल, सोना का चैनल है क्या? नो, जब भी होगा जरूर बता देंगे आपको, ठीक है बिल्कुल, मेरे व्लॉग्स के थ्रू सब पता लगेगा, डेली व्लॉग्स सब बताते हैं जिंदगी में क्या चल रहा है। चलो ओ भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लो, मारेगी तो नहीं ना? नहीं, जवाब दे दूँ सच या झूठ बोलूँ? नहीं नहीं जैसा आपको ठीक लगे। मनदीप सिंह ने लिखा है भाई, आपको कभी किसी और से प्यार नहीं हुआ? तो मेरे भाई पहले तो लाइफ ऐसी थी कि किस किस से प्यार करूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, एक एज होती है ठीक है, वो एज जब आपकी निकल जाती है फिर एक समय आता है, फिर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है किस किस से प्यार करूं। भाई आपको किसी और से प्यार हुआ? बेशक जब हम छोटे थे तो हमें हर किसी लड़की से प्रेम होता था, पर अब जब हम बड़े हुए तो हमें एक ही से प्रेम हुआ है। इंस्टा यार क्या चाह रहा है यार, गाइज आज इसको ना ये देखो, गाइज ये भी कुछ कहना चाहता है यार, इंस्टा तुझे किससे प्यार हुआ है मेरे भाई? अभी इसको कह रहा मुझे नहीं करना, प्यार नहीं हुआ, कह रहा मैं देखता हूँ भाई तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है। ये मैं देखता रहता ना इसलिए अभी इसको उसका मन नहीं करता किसी लड़की से प्यार करने। कोई नहीं, हम तेरे लिए लाएंगे एक लड़की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवरोज सिंह ने लिखा है, विनय भाई शोना दीदी के पापा को पता चला तो उन्होंने आपको मारा था? नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छे डैडी मिले हैं, आई मीन टू से कि वैसे तो ससुर जी हैं बट वी डोंट ट्रीट लाइक अ ससुर जी एंड ससुर जी डोंट ट्रीट मी लाइक अ दामाद, वो मुझे अपने एक बेटे की तरह ट्रीट करते हैं और मैं उनको अपने एक पापा की तरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। वो पहले से जानते थे विनय को, क्योंकि विनय फैमिली में पहले से आना जाना था और जब पता लगा तो पापा खुश ही थे बल्कि। यस खुश तो होंगे ना? हाँ। खुश तो होंगे बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे सोना के डैडी मिले। 25वां सवाल विक्रम सिंह जी का कहना है, अपूर्वा, पहली बात तो अपने अपूर्वा लिखा है, इसका नाम अपूर्वा नहीं, इसका नाम पूर्वा है, पूर्वा का नाम सोना किसने रखा बताओ भाई, किसने रखा?
फैमिली में प्यार से रखा था, अब मुझे नहीं याद है किसने रखा था। सबकी फैमिली में प्यार से रखते हैं, मेरे मम्मी पापा ने गुस्से में नहीं रखा था, वैसे मेरे का नाम आशु है। नहीं वो मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो बहुत ज्यादा दुलार वाला बच्चा था। हम तो भैया वो है, हमें तो पैम्परिंग वाला, हमें तो डस्टबिन, हमें तो डस्टबिन से उठा के लाए। नहीं ना मतलब वो हो गया, मतलब शोना मेरे बहुत सारे नेम है, शोना मेरी शोना, शोना सुना है ना गाना, वो टोनी कक्कड़ ने बनाया था। मेरी सिस्टर मुझे कुछ और बोलती है, मेरे भैया मुझे कुछ और बोलते हैं, मेरे पापा मुझे कुछ और बोलते हैं, मेरी मम्मी कुछ और बोलती है, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, इन शॉर्ट। तो भाई अगला क्वेश्चन है खाटू श्याम जी की साइड से, भाईजान शोना दीदी के साथ व्लॉग बनाया करो, आप चैनल, आपका चैनल काफी ग्रो हो जाएगा, शोना दीदी आपके लिए काफी लकी है ब्रो, आप दोनों साथ व्लॉग बनाया करो। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच, और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम व्लॉग्स बना सकूं, बट हम साथ नहीं रहते, ठीक है, पर जितना मिल पाते हैं तो उतना मैं व्लॉग बना लेता हूं, कोशिश करूंगा कि आगे भी काफी व्लॉग्स बना सकूंगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करो, लव यू, कीप सपोर्टिंग, जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, और आई होप आगे भी अच्छे से ग्रो करें। अगला सवाल सुरेंद्र चिनिया ने लिखा है, भाई विनय भैया शोना दीदी नाराज नहीं होती क्या, ऐसे ही गुलाब नहीं देता भाई। ऐसे ही नहीं पहुंचता सुबह 6 बजे सरप्राइज देने इसके घर एक रोज लेके। नहीं वो जो आपने सरप्राइज दिया था वो तो रैंडमली दिया था ना, नाराज थोड़ी थी मैं आपसे। रहने दो शोना, गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, दिखाती नहीं है, जताती नहीं है, बट बहुत नाराज होती है, और तुम्हारा भाई गुलाब ले लेके ऐसा लगता है कभी कभी गुलाब का ना एक खेत उगाऊंगा अपने घर में। ठीक है, अपने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मन करता है गाइस छत पे अपने हर जगह गुलाब ही गुलाब लगा दूं, आए दिन तो नाराज होती है, ले एक गुलाब थोड़ा दे दिया भाई, नाराज होती है यार। अगला क्वेश्चन 28 मनीषा सैनी ने पूछा, भैया आपकी और शोना दीदी की इंगेजमेंट हो गई क्या? नहीं जी, जब शादी होगी तो उससे पहले इंगेजमेंट होगी, आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, अब बचे हैं भाई आखिरी दो सवाल, 29th क्वेश्चन फ्रॉम अभिषेक। तो भाई इसमें इन्होंने पूछा है शोना भाभी क्या करती हैं भाई जी, तो मैं आपको बताता हूँ शोना भाभी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है एंड हेयर स्टाइलिस्ट है। बाकी अपना इंट्रो दे दो यार, पूछ रहे हैं आपसे लोग आप क्या करती हो। तो मैं प्रोफेशनली मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। हे गाइस किसी को भी बनना हो भूत बता देना शोना को। ये पागल है, इनसे इनका मत सुनो। जस्ट किडिंग गाइस, नहीं ये अच्छे से अच्छों को अच्छा बना देती है। लास्ट क्वेश्चन हर्षिता रावत की साइड से, 30th क्वेश्चन गाइस, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों गोलू मोलू क्यूट से हो, स्पेशली शोना। कहता हूँ जिम चली जा यार। खैर ये तो बहुत अच्छा कमेंट था, इट्स अ गुड कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू हर्षिता रावत, एंड थैंक यू, एंड गोलू मोलू ऐसी गोलू मोलू रहे, मैं स्टार्टिंग से ऐसी हूं। वेरी गुड, मी टू। तो चलो गाइस आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड Q&A पसंद आया तो प्लीज़ आगे Q&A और चाहते हो तो इसी Q&A में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दो, तो जल्दी एक और Q&A लेके आएंगे। मेरे से जितनी कोशिश हुई मैंने उतने क्वेश्चंस को छाटा, खैर 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे क्योंकि 20 के पे निकालना था, बट मैं लेट हुआ तो मैंने 30 कर दिए, बट आप सबका प्यार जो है ऐसे ही रहना चाहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यार देते रहो, लव यू ऑल, एंड अगर चाहते हो और आपके पास अगर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट भर दो क्वेश्चंस से अपने, तो मैं चाहूँगा कि मैं एक जल्दी Q&A लेके आ सकूँ और जल्दी से 30K सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो खैर इतना लेट नहीं करूँगा, 21K से 30K तक नहीं लटकाऊँगा, मैं जल्दी जल्दी लाऊँगा, आपको ब्लॉग्स में ही इन्फॉर्म कर दूँगा कि भाई अब Q&A आने वाला है, रेडी हो जाओ, बट उसके लिए पता है कैसे कमेंट चाहिए, मस्त मस्त मसालेदार, कि भाई जवाब देने में मज़ा आ जाए। चलो भाई सबको बाय 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 बाय, लव यू ऑल।